अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज हम डिस्कस करेंगे बुलिश क्रैब हार्मोनिक पैटर्न के बारे में बिफोर दैट आई वांट यू ऑल टू नो कि हार्मोनिक पैटर्न्स का जो कोर्स है वो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे जाएं देखें इंशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और लाइव चार्ट पे प्रैक्टिस करें अगर आपने डिस्कॉर्ड का सर्वर ज्वाइन नहीं किया जाएँ डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा और वेलकम रूल्स गाइड ये जो चैनल्स हैं ये आपने एक्सप्लोर कर लेने बिफोर यू जॉइन एंड इट्स वेरी इजी ठीक है इसका वेरिफिकेशन फीचर जो है हमने आपकी सिक्योरिटी के लिए रखा है बाकी आप जनरल डिस्कशन कर सकते हो मजीद आप जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो यू कैन प्रैक्टिस यू कैन टॉक अबाउट इट एंड यू हैव अ क्लीन अ ब्यूटिफुल इन्वामेंट चल स्टार्ट करते हैं बिस्मिल रहीम बुलिश क्रैब हारमोनिक पैटर्न विल ड्रॉ दिस वन फर्स्ट हाइपोथेटिकली फिर उसके बाद हम जाएंगे लाइव चार्ट पे प्रैक्टिस के लिए ठीक है जी लाइव चार्ट पे भी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से हमने ड्रॉ करना है फर्स्ट थिंग फर्स्ट पॉइंट नंबर वन एंकर लेग एक्स टू ए लेग विच इज ऑल्सो नॉन एज एंकर लेग ठीक है देख सकते हैं पॉइंट नंबर टू फॉर बी ड्रॉ फेप फ्रॉम एक्स टू ए ड्रॉ फेप फ्रॉम एक्स टू ए टू फाइंड बी लेग द रिट्रेसमेंट विल क्रॉस जीरो पॉइंट थ्री एट टू रीजन बट कैन नॉट एक्सीड जीरो पॉइंट सिक्स वन एट विच इज ऑल्सो बेसिक रूल इन हारमोनिक्स मेजोरिटी ऑफ द हारमोनिक्स में ये जो है ये रूल होता है तो पॉइंट फाइव पे मैंने इसको लगा दिया विच इज एबली फाइन थ्री एट टू से सिक्स वन एट तक में वैसे भी फ्लेक्सीबल रह सकता हूँ चलें नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर थ्री फॉर सी ड्रॉ फिफ फ्रॉम ए टू बी रिट्रेसमेंट जीरो पॉइंट थ्री एट टू टू जीरो पॉइंट एट एट सिक्स रीजन ड्रॉ फेप फ्रॉम ए टू बी ओके रिट्रेसमेंट जो है वो क्या होगी जीरो पॉइंट थ्री एट टू से लेके जीरो पॉइंट एट एट सिक्स तक ये पूरा डायमेंशन है आपके पास इतना फ्लेक्सिबल आप रह सकते हो मैं एट एट सिक्स पे शार्प लगा देता हूँ इसको विच इज एब्सोलूटली फाइन ओके नाउ टू फाइंड डी ड्रॉ फेबिनाची फ्रॉम एक्स टू ए रिट्रेसमेंट शार्प एट वन पॉइंट सिक्स वन एट रीजन विच इज़ ऑलसो नोन एज पी आर जी पोटेंशियल रिवर्सल जोन हमारा क्या होगा वन पॉइंट सिक्स वन एट रीजन ओके सो ड्रॉ फेबिनाची फ्रॉम एक्स टू ए the retracement will be sharp at 1.618 fibonacci okay now let's f draw two letter harmonica x a b c d perfect complete okay now let's find targets point number 5 for take profits draw fibonacci from a to d draw fibonacci from a to d तीन जीरो पॉइंट थ्री एट टू रीजन जीरो पॉइंट फाइव जीरोस ठीक है टारगेट नंबर वन टारगेट नंबर टू टारगेट नंबर थ्री तीन हमारे टेक प्रॉफिट्स होंगे और हमेशा अपने पार्ट्स में टेक प्रॉफिट करना है ठीक है ताकि अगर ट्रेड गलत भी होती है मार्केट में क्रैश भी आता है तो चीजें खराब ना हो ये हमारा लॉन्ग पोजीशन टूल है एंड विल डिस्कस दिस ऑन लाइव चार्ट ठीक है जो स्टॉप uh, लॉस की बात है ना लाइव चार्ट में हम करेंगे तो टाइम ज़ाया ना हो उसके लिए मैंने आप सबके लिए पहले से ही एक हारमोनिक फाइंड कर लिया था लेट्स चेक ओके एक्स टू ए लेग एक एंकर लेग स्ट्रांग सपोर्ट टू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंकर लेग ओके नाउ लेट्स फाइंड बी टू फाइंड बी फिबोनाची फ्रॉम एक्स टू ओके ठीक है ओके okay. सो so, रिट्रेशमेंट विल क्रॉस जीरो पॉइंट थ्री एट टू रिजन बट कैन नॉट एक्सीड जीरो पॉइंट सिक्स वन एट सो इसने जो है कम्प्लीटली तो इसको ख़राब नहीं किया ठीक है यहाँ पर हम लगा देते हैं परफेक्ट नीचे ज़्यादा नहीं गई लेग्स और यहाँ पर जो रूल है उसको ये फॉलो कर रहा है विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन ओके और आपने हमेशा जो बी लेग है वो ये नहीं करना कि नीचे ले जानी है जहाँ तक आपकी रिट्रेसमेंट है वहीं पे लगानी है ठीक है आपने और ज़्यादा उसको खींचना नहीं है लेकिन व्हेन यू ड्रॉ ठीक है थोड़ी सी विक गई है विच इज एब्सोल्युटली फाइन एक्सेप्टेबल है ओके व्हेन यू ड्रॉफ फिबोनाची फ्रॉम ए टू बी सो यू विल ड्रॉ टिल दिस विक ठीक है प्राइस सेक्शन को यूज करना है आपने इसमें ओके नाउ टू फाइंड सी ड्रॉफ फिबोनाची फ्रॉम ए टू बी रिट्रेसमेंट विल क्रॉस जीरो पॉइंट थ्री एट टू रीजन बट कैन नॉट एक्सीड जीरो पॉइंट एट एट सिक्स ठीक है यहाँ पे कंप्लीट हो गई सी लेग भी नाउ लेट्स फाइंड द डी लेग विच इज ऑल्सो नॉन एज पी आर जी पोटेंशियल रिवर्सल जोन रिट्रेसमेंट वी शार्प एट वन पॉइंट रीजन यहाँ पे देखें परफेक्टली टार्गेट आई शो यू फर्स्ट हमने जो है ड्रॉ कर लेना है x a b c एंड D. कंप्लीट पैटर्न कंप्लीट ओके नाउ लेट्स फाइंड टारगेट्स लेट्स फाइंड टेक प्रॉफिट्स, ड्रॉफ फिबोनाची फ्रॉम ए टू डी ओके ड्रॉफ फिबोनाची फ्रॉम ए टू डी तीन टारगेट्स होंगे हमारे पास टारगेट नंबर वन जीरो पॉइंट रीजन टारगेट नंबर टू 0.5, टारगेट नंबर थ्री 0.618 पॉइंट रीजन परफेक्ट ये कंप्लीट हो जाता है यहां पे, ओके नाउ लेट्स ड्रॉ एक हम यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन टूर लगाएंगे परफेक्ट डी ओके यहां से हमने लॉन्ग पोजीशन टूल लगाया यहां तक हम लेके आए इसको ठीक है नाउ लेट्स फाइंड आर स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस को किस तरह से फाइंड करना है आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे प्रीवियस डाटा में आपने स्ट्रोंग लो देखना है उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा देना है यूजली uh, जो है फाइनेंशियल मार्केट्स में इस तरह से होता है लेकिन इफ यू वॉन्ट टू फाइंड अ स्ट्रांग स्टॉप लॉस तो आपने क्या करना है एक्स टू ए ड्रॉ करना है फिर बिना रिट्रेसमेंट टूल आपने देखना है कि कहाँ पे एट एट सिक्स आ रहा है ठीक है एट एट सिक्स के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा देना है अपना एट एट सिक्स का एट एट सिक्स के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा वन पॉइंट एट एट सिक्स तो आपका रिस्क रिवॉर्ड टू पॉइंट फाइव सेवन बन रहा है विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन एवरेज आपकी टू आ जाएगी वन रे टू की जब आप कंप्लीटली पार्ट्स में टेक प्रॉफिट करोगे ना इस लॉजिक को समझें सो या कंप्लीट होपफुली क्लियर हो गया होगा नो कॉम्प्लिकेशंस इट्स वेरी इजी एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट बेरिश क्रैब हारमोनिक पैटर्न एंड आई यू ऑल जजाक खैर व